हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ चैप्टर 7th विच इज इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.1। अगर आपने हमारा इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x, तो हमें क्या है इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, हमें पता है कि जो d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स है, कोस 2x, उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ये होगा। तो कोस 2x इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x बाय 2। पहले अगर हम 2 को साइड लेके जाए, देखो साइन 2x बाय 2, तो सॉरी 2 क्या आएगा डेरिवेटिव में आगे, तो cos 2x जो है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2x। अगर 2 को हम इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस sin 2x। अब अगर माइनस को इस साइड लेके आए और इसको अंदर लेके जाए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस 1 बाई 2 कोस 2x बाय 2। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन 2x, ठीक है। तो ये क्या आ गया एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1 बाई 2 कोस 2x। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज कोस 3x, तो अगेन cos 3x किसका डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये डेरिवेटिव रहा होगा sin 3x का। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x और 3x का 3, 3 को इस साइड लेके आएंगे और अंदर लेके जाएंगे, तो 1 बाय 3 sin 3x जो इसका d बाय dx है, यानी कि डेरिवेटिव है वो क्या है, cos 3x। तो हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया, तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय 3 sin 3x। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज e की पावर 2x, तो e की पावर 2x, तो d बाय dx ऑफ e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या रहा होगा, देखो e की पावर 2x तो एज इट इज और 2x का 2 ये आ गया। अब अगर e की पावर 2x को इस साइड रखे तो ये डिवाइड बाय 2 आएगा, यानी कि d बाय dx 1 बाय 2 e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 बाय 2 e की पावर 2x। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसका एंटी डेरिवेटिव। नेक्स्ट नंबर फोर्थ इज ax प्लस b होल स्क्वायर, तो अगर हम क्या करें, देखो d बाय dx ऑफ, अगर इसकी पावर एक ऐड करें, यानी कि ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो यानी कि 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस 3 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बाय 3 और यहाँ पे क्या आएगा डॉट ए, तो यहाँ पे 3 है, यानी कि हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई। अगर आप क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय 3 ए ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 ए एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। ए एक्स प्लस बी को अगर टी माने तो टी की क्यूब क्या हो जाएगी, 3t स्क्वेयर, यानी कि 3 ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, और बी का डेरिवेटिव 0, ए एक्स का ए, यानी कि इससे ये कैंसल, तो वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, तो इसको क्या करते हैं, हम सेपरेटली सोल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, साइन 2x यानी कि कोस 2x का होगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ कोस 2x, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस, देखो माइनस साइन 2x
और 2x का 2, यानी कि माइनस टू साइन 2x। अगर माइनस टू को इस साइड लेके आए तो ये क्या आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ माइनस वन बाय टू कोस 2x, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन 2x, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव तो आ गया हमारे पास ये, और इसके लिए क्या होगा, माइनस फोर ई की पावर 3x। तो इसका भी देख लेते हैं एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखो माइनस फोर ई की पावर 3x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, वो क्या हो जाएगा, 3 ई की पावर 3x, और ई की पावर 3x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x 1/3। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस फोर, तो यानी कि माइनस फोर से क्या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस फोर ई की पावर 3x इज इक्वल टू ई की पावर 3x। देख सकते हो आप माइनस फोर बाय थ्री, तो माइनस फोर बाय थ्री अगर आप कॉमन रखो तो ई की पावर 3x का ई की पावर 3x डेरिवेटिव और 3x का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस फोर ई की पावर 3x, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, तो ये आ गया। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो इसके लिए एंटी डेरिवेटिव जो है वो जाएगा हमारे पास माइनस वन बाय टू कोस 2x माइनस फोर बाय थ्री, माइनस फोर बाय थ्री ई की पावर 3x। तो ये क्या आ गया हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव। नेक्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेट फोर फोर ई की पावर 3x प्लस वन डी एक्स। तो सिंपल है, फोर कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx, जो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस इंटीग्रेशन dx। तो e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x था उसका इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव यानी कि 3, तो 4 बाय 3 की पावर 3x प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये क्या आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट, सेवंथ क्वेश्चन इज इंटीग्रेट एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx। तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो देखो एक्स स्क्वेयर, यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, अब इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसल, तो अब सिंपल रह गया, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स की पावर एक ऐड हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर थ्री और वो पावर डिनोमिनेटर में माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/3 एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डीएक्स। तो देखो सेपरेट करते हैं इनको, यहां से ए कॉमन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डीएक्स प्लस यहां से बी कॉमन इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स प्लस यहां से सी कॉमन इंटीग्रेशन डीएक्स। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड यानी कि एक्स की क्यूब डिवाइड बाय थ्री और ये बाहर था, प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड यानी कि एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय जो पावर थी वो डिनोमिनेटर में, प्लस सी और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज टू एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स डीएक्स। तो यहां से क्या आएगा, टू कॉमन, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डीएक्स प्लस यहां से ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर एड यानी कि एक्स की क्यूब डिवाइड बाय थ्री और ऊपर क्या है, टू, तो 2/3 एक्स की क्यूब प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी।
तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th इज इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वेयर डीएक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वेयर को ओपन करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स, तो देखो रूट एक्स का स्क्वेयर क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डीएक्स माइनस टू इंटीग्रेशन डीएक्स, ये आ गया। अब तो सिंपल है, एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाय टू, प्लस वन अपॉन एक्स का आपको पता है लॉग एक्स, और माइनस टू और डीएक्स का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारी इसकी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th इज इंटीग्रेट एक्स की क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, सेपरेट कर लेते हैं, तो एक्स की क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, तो इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स प्लस 5 बार, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर यानी कि 1, तो डीएक्स माइनस 4, यहां पे एक्स स्क्वेयर ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 डीएक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 5, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फोर, एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन, तो माइनस टू प्लस वन यानी कि एक्स की पावर माइनस वन और माइनस वन, इससे ये कैंसल, और एक्स की पावर माइनस वन डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और प्लस सी, प्लस यहां से एक्स की इनवर्स वन है तो डिनोमिनेटर में आके वन अपॉन एक्स यानी कि 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारी इसकी वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज इंटीग्रेट एक्स की क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय रूट एक्स डीएक्स। तो इसको भी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो एक्स की 3 डिवाइड बाय रूट एक्स यानी कि एक्स की 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स की पावर 2 डिवाइड बाय रूट एक्स और प्लस 4 रूट एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 डीएक्स। तो यहां से देखो x की पावर 6 माइनस 1 यानी कि रूट एक्स की पावर 5 यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 5 बाय 2। तो देखो x की पावर क्या आ गई यहां से 5 बाय 2 इंटीग्रेशन dx प्लस 3 इंटीग्रेशन यहां से कितनी आ जाएगी रूट एक्स ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 में से बन जाएगा 1 प्लस यहां से 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। अब देखो एक्स की पावर 5 बाय 2 उसका इंटीग्रेशन क्या होगा यानी कि 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 7 बाय 2 और 7 बाय 2 डिनोमिनेटर में यानी कि 7 और 2 ऊपर, यह आ गई वैल्यू। प्लस 3 एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन तो 1 ऐड होगा यानी कि एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, 3 डिनोमिनेटर में और 2 ऊपर यानी कि 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि एक्स की पावर हाफ यानी कि रूट एक्स और 1 बाय 2 डिनोमिनेटर में यानी कि 1 डिनोमिनेटर और 2 ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस सी। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2 बाय 7 एक्स की पावर 7 बाय 2
प्लस टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस सी। तो ये क्या आ गया इसकी फाइनल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट 13th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th इज इंटीग्रेट x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो देखो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको क्या कर सकते हो डिवाइड, या फिर अगर आप इन दोनों को सेपरेट करो, देखो यहां से एक्स स्क्वेयर कॉमन तो बच गया क्या एक्स माइनस वन, और इसको अलग रखेंगे एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इससे तो ये कैंसल, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी इसका इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है एक्स प्लस सी, और यहां से इससे ये कैंसल तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब डिवाइड बाय थ्री, तो एक्स की क्यूब डिवाइड बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी क्या आ गया हमारा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th इज इंटीग्रेट वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो पहले तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर हाफ, तो वन प्लस वन बाय टू यानी कि थ्री बाय टू डी एक्स। तो एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, वो जो पावर थी वो क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय थ्री बाय टू प्लस वन प्लस सी। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाय टू, थ्री डिनोमिनेटर में और टू ऊपर, माइनस यहां से फाइव बाय टू और फाइव डिनोमिनेटर में टू ऊपर प्लस सी, यानी कि टू एक्स की पावर थ्री बाय टू डिवाइड बाय थ्री माइनस टू बाय फाइव एक्स की फाइव बाय टू प्लस सी क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th इज क्वेश्चन नंबर 15th इज इंटीग्रेट रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो इसको क्या आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, कैसे, देखो थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस क्या होगा पावर क्या है हाफ, तो हाफ ऐड होगी यानी कि थ्री कॉमन, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर टू प्लस हाफ यानी कि फाइव बाय टू प्लस टू बाहर, तो इंटीग्रेशन एक्स और एक्स की पावर क्या है वन बाय टू यानी कि थ्री बाय टू प्लस थ्री, थ्री है ना, तो थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स। तो यहां से एक्स की पावर फाइव बाय टू का इंटीग्रेशन यानी कि वन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर सेवन बाय टू और सेवन डिनोमिनेटर में और टू ऊपर थ्री टू जा सिक्स प्लस, इसी तरह से एक्स की पावर थ्री बाय टू का वन ऐड होगा तो एक्स की पावर फाइव बाय टू, फाइव नीचे और टू टू जा फोर प्लस एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा वन ऐड होगा तो एक्स की पावर थ्री बाय टू, थ्री नीचे और टू इंटू थ्री, थ्री से थ्री कैंसल, तो यानी कि हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई इसकी 6/7 एक्स की 7/2 प्लस 4x की 5/2 बाय 5 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट 16th क्वेश्चन नंबर 16th इज इंटीग्रेट 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो देखो 2 बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 और 2 यहां था तो 2 से 2 कैंसल यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी। तो ये क्या आ गया इसकी फाइनल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th इज
इंटीग्रेट 2x² -3 sin x +5√x dx। तो देखो 2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की क्यूब बाय 3 और 2 आगे -3। साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो +3 cos x +5। रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो x की पावर हाफ +1 यानी कि x की पावर 3/2 और 3 डिनोमिनेटर में और 2 आ गया यानी कि 5 × 2 = 10 प्लस सी। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 2/3 x³ +3 cos x +10/3 x³ 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटीग्रेट secant x +tangent x dx। तो इसको कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन secant x tangent x dx। तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tangent x प्लस secant x tangent x का secant x प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारी इसकी फाइनल वैल्यू। हमें पता है कि secant स्क्वायर x जो है उसका इंटीग्रेशन, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये एक्सरसाइज इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज इंटीग्रेट secant स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x dx। तो देखो cosecant स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हो, ऊपर पहले तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x secant स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। अब अगर आप क्या करो, secant स्क्वायर x को डिनोमिनेटर में लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x dx। sin बाय cos यानी कि टेंजेंट स्क्वायर x dx। और देखो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर x dx। इसके बाद ये क्या है, सिंपल हो गया। अब हमें पता है कि 1 + tan² x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x और हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x -1 यानी कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पे ये वैल्यू। तो यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x -1 dx। तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tangent x -1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, tangent x -x प्लस सी। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज भी क्या है, याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज इंटीग्रेट 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो इसके लिए सिंपल है, क्या करो आप इनको सेपरेट कर लो। तो यहां से 2 बार cos स्क्वायर x ऊपर जाके secant स्क्वायर x dx माइनस यहां से 3 आउट sin अपॉन cos, sin बाय cos क्या हो जाएगा tangent x और एक cos बचेगा वो ऊपर जाके secant x dx। तो यहां से secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tangent x -3 इंटीग्रेशन tangent x secant x dx। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, secant x प्लस सी। तो ये क्या आ गया इसकी फाइनल वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x +1/√x। तो इसके लिए क्या होगा, देखो अगर आप क्या करो, x की पावर 3/2 मान लो, तो जो d बाय dx है
क्यों, क्योंकि देखो यहां पे x की पावर कितनी है, हाफ, और इसमें एक ऐड होता है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि 3 बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 3 बाय 2 आगे और एक सब्सट्रैक्ट यानी कि x की पावर 1 बाय 2 जो कि हमें चाहिए था, तो 3 बाय 2 को इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय 3 एक्स की पावर 3 बाय 2 डी बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, यानी कि इस चीज का हम क्या रखेंगे 2 बाय 3 एक्स की पावर 3 बाय 2, इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया और इसको 1 अपॉन रूट एक्स, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2, प्लस 1 करेंगे तो यानी कि 1 बाय 2, तो यानी कि x की पावर 1 बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बाय 2 आगे और x की पावर माइनस 1 बाय 2 जो हमें चाहिए था, यानी कि 2 आगे जाएगा तो d बाय डी एक्स ऑफ 2x की पावर हाफ इज इक्वल टू x की पावर माइनस 1 बाय 2, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास ये, तो 2x की पावर 1 बाय 2 प्लस c, तो ऑप्शन देख लेते हैं 2 बाय 3 एक्स की पावर 3 बाय 2 प्लस 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी क्या हमारा राइट, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। देख सकते हो आप कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन इज, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, तो क्वेश्चन नंबर 22nd इज If d by dx of fx, d by dx of fx is equals to 4x की cube minus 3 by x की power 4 such that f of 2 is equals to 0, then find fx. We have to find fx. इसका एंटी डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो x की पावर क्या रही होगी 4, देखो x की पावर 4 का d by dx यानी कि डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 आगे एक पावर कम 4x की क्यूब, यानी कि इसकी जगह पे तो हम रख देंगे x की पावर 4 और यहां से माइनस 3 x की पावर माइनस 4 है, तो माइनस 4 कैसे आया होगा, अगर आप क्या करो d by dx ऑफ x की पावर माइनस 3 करो, माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 3 आगे x की पावर एक माइनस हो गया यानी कि माइनस 4, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या माइनस 3 x की माइनस 4, तो वो क्या आ गया x की पावर माइनस 3 यानी कि 1 अपॉन x की पावर 3 का d बाय dx क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, ठीक है, और हमें यही चाहिए तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस c, ये क्या आ गया हमारे पास एफ एक्स। बस अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या है f2 क्या आ गई होना है 0, तो यानी कि अगर आप यहां पे x इज गैप 2 रखोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 0, तो f2 रखते हैं 2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 अपॉन 2 की क्यूब यानी कि 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, 16 अठे 128 और एक 129 यानी कि 129 डिवाइड बाय 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन सी इज इक्वल टू माइनस 129 बाय 8, यानी कि इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 129 बाय 8, ये क्या आ गया हमारे पास fx की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।